तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन को देखते हैं। इसमें बेसिकली मैं एक थीक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया हूँ जिसके पास कुछ थीकनेस है और चार्ज जो है वो वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूट है। इनर रेडियस इस मटेरियल का ए है और आउटर रेडियस इसका बी है। ये वाला आउटर रेडियस बी है और इनर रेडियस ए है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक गॉस थ्योरम का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और ये जनरली जो है यू कहो कि क्वेश्चन ही है, जो भी कह लो इसके एप्लीकेशन और डेरिवेशन। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। सबसे पहले मैं अंदर में निकालूंगा, ठीक है ना। ध्यान रखना कि यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज डेंसिटी रो है जो कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। तो यहाँ से चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, तो चार्ज जो है टोटल चार्ज क्यू है और पर यूनिट वॉल्यूम जिस वॉल्यूम में ये बिखरा हुआ है, तो टोटल चार्ज क्यू और जो वॉल्यूम जिसमें चार्ज बिखरा हुआ है उसका वॉल्यूम का 4/3 पाई बी क्यू माइनस 4/3 पाई ए क्यू है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन साइड द डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल विथ इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस बी। और ये तो खाली जगह है, तो ये एक मैं सबसे पहले मैं इन साइड निकाल रहा हूँ, एक गॉसियन सरफेस आर डिस्टेंस पे जाके बनाया हूँ। दिस इज द गॉसियन सरफेस और जो कि इन साइड है। इन साइड अगर तुम यहाँ से देखोगे, इन साइड गॉसियन सरफेस ये वाला है, तो यहाँ पर तुम देखोगे इस गॉसियन सरफेस में तुम देखोगे ये वाला यहाँ से। तो मैं गॉस का थ्योरम लगा दूँ इस गॉसियन सरफेस के लिए, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस यहाँ से, और चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से तुम देखोगे ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डी एस वेक्टर। डी एस वेक्टर तुम देखोगे यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस के लिए, ठीक है ना। एरिया इधर आएगा, एरिया वेक्टर आ जाएगा और इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो भाई मान लो चलो इधर ही आ रही है। चलो ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, तो ये इंटीग्रेशन ई डी एस इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी अगर कोई चार्ज होगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया भाई, जीरो। तो यहाँ पर तुम देखोगे जब इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इतने आ जाएगी, जीरो। मतलब अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है यहाँ पर, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज तो इस रीजन में डिस्ट्रीब्यूट है वॉल्यूम वाइज, यहाँ पर है ये वाली रीजन है, इसमें चार्ज है वॉल्यूम वाइज, और वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो ऐसे आपको डिफाइन कर दिया हूँ ऊपर। तो सबसे पहले अब मैं बात करता हूँ इन साइड आ जाता हूँ, इन साइड मटेरियल के इन साइड। सबसे पहले अगर तुम देखोगे तो ये जो चार्ज है यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी, ये जो चार्ज डेंसिटी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाली चीज़। तो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ से तुम देखोगे ये मैं रेड कलर का एक गॉसियन सरफेस बना दिया हूँ यहाँ पे। इस गॉसियन सरफेस के ऊपर ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इनर रेडियस इसका स्फीयर का ए है और आउटर रेडियस इसका बी है और जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से जो फ्लक्स फाई है वो मैं अगर ड्रॉ करता हूँ ई डॉट डी एस, तो यहाँ से तुम देखोगे ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले जो है ये जो रीजन है, जिस रीजन में गॉसियन सरफेस, जिस रीजन के लिए मैं लगा रहा हूँ, ध्यान देना, इस वाले रीजन में हमें कितना चार्ज आया है वही काउंट होगा, क्योंकि ये रीजन, इस रीजन में कितना चार्ज आया है वही तो गॉसियन सरफेस के यहाँ पे काउंट होगा। तो वो तो सबसे पहले मुझे चार्ज पता ही नहीं है। सबसे पहले मैं अगर इस गॉसियन सरफेस पे देखो इलेक्ट्रिक वेक्टर लोगे तो इलेक्ट्रिक वेक्टर तो आउटवार्ड आएगा भाई, इलेक्ट्रिक वेक्टर आउटवार्ड आएगा और एरिया वेक्टर भी आउटवार्ड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा है इन दोनों के बीच वो जीरो है और हर पॉइंट पर बाई सिमेट्री इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम होगी। तो मैं ये बाहर ले लेता हूँ और इंटीग्रेशन ई डी एस को इंटीग्रेट कर दूंगा, तो डी एस को इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा भाई, डी एस कॉस जीरो हो जाएगा और चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो कि हमें पता ही नहीं है। तो ई डी एस इस सरफेस एरिया को इंटीग्रेट करूंगा तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा और चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
और सबसे पहला अब मेरा टारगेट है इसके अंदर जो इनक्लोज चार्ज है वो निकालना। तो चार्ज इनक्लोज जो तुम देखोगे, चार्ज टोटल चार्ज, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय यू छोटा वॉल्यूम जिसमें मुझे चार्ज चाहिए, तो टोटल चार्ज क्यू था जो कि किस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट था, तो जो 4/3 पाई बी क्यू माइनस ए क्यू में डिस्ट्रीब्यूट था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वह छोटा वॉल्यूम जिसमें मुझे चार्ज चाहिए, तो वह छोटा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 4/3 पाई ए पाई आर क्यू माइनस ए क्यू, समझ रहे, ये वाला वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में ये वाला वॉल्यूम चाहिए ना, ये वाला वॉल्यूम ग्रीन वाला, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस आर है, तो बड़े वाले वॉल्यूम में से इस छोटे वाले वॉल्यूम को घटा दूंगा तो इतना आ जाएगा। तो फाइनली अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये 4/3 यहाँ से कट गया, तो जो चार्ज इनक्लोज आ जाएगा क्यू यहाँ से, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो वही तो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से तुम चार्ज देखोगे तो चार्ज इनक्लोज की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी कैपिटल क्यू, और यहाँ से स्मॉल आर की पावर क्यू माइनस ए की पावर क्यू, और डिवाइड कर दूँ यहाँ से बी की पावर क्यू माइनस ए की पावर क्यू, तो दिस इज़ बेसिकली नथिंग, ये वाली जो चीज़ है वो, हाँ ये चार्ज इनक्लोज है यहाँ पर। तो अगर तुम देखोगे तो इतना चार्ज इसके अंदर आया होगा, और यही ले जाके अब मैं वहाँ पर रख दूँगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन बनेगी, अब मैं उसको नोट डाउन कर लूँगा, ठीक है। तो जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन बनेगी वो है 1/4πε₀r² और चार्ज इनक्लोज्ड। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखूँ, चार्ज कैपिटल क्यू आर की पावर क्यू माइनस ए की पावर क्यू, और डिवाइड कर दूँ यहाँ से 4πε₀r² और यहाँ से बी की पावर क्यू माइनस ए की पावर क्यू, दिस इज बेसिकली द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एग्जिस्ट इन साइड द मटेरियल। जैसे जैसे आर की वैल्यू देखो चेंज होगी, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में चेंज होगी। जब यहाँ से देखो, अगर तुम जब आर की वैल्यू स्मॉल ए होगी उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो, उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ रही है भाई जब, ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू रखोगे उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है। लेकिन जब स्मॉल आर की वैल्यू बी होगी, समझना, जब स्मॉल आर की वैल्यू बी होगी तो उस वक्त जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम आ रही, उसकी वैल्यू क्यू अपॉन 4πε₀r² आ रहा है, ठीक है ना, आर स्क्वायर मतलब यहाँ से बी का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है वो आपको, ये आउटर बी के आउटर सरफेस पे है और ये इनर के सरफेस पे, और अंदर में जीरो था। तो अगर मैं इसका प्रॉपर तरीके से ग्राफ बनाऊंगा इस पूरे मतलब फील्ड वेरिएशन का, तो वो जो ग्राफ है, सबसे पहले हाँ मैं आउटसाइड भी एक बार निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं आउटसाइड यहाँ पे ट्राई करता हूँ, तो देखो बाहर में एक गॉसियन सरफेस बनाया हूँ जो कि यहाँ से बिल्कुल एक आर डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस ए है एस्पियर की, और ये वाली डिस्टेंस बी थी। तो टोटल चार्ज यहाँ पे, टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट था इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में, उसकी वैल्यू कितनी थी यार, उसकी वैल्यू कैपिटल क्यू थी। तो इस गॉसियन सरफेस पे अगर यहाँ पे कोई एरिया लोगे तो ये तो एरिया वेक्टर तो इसका इधर आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आ जाएगा भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा यहाँ से, और चार्ज ऐसे बिहेव करेगा जैसे सेंटर पर है। तो ई डी एस कॉस जीरो क्लोज इंटीग्रेशन दैट इज टोटल चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई और डी एस का इंटीग्रेशन यहाँ बचा दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डी एस का इंटीग्रेशन यहाँ 4πr² आ जाएगा दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब बाहर में जो फील्ड आया वो पॉइंट चार्ज की तरह आया, 4πε₀r² दैट इज के कैपिटल क्यू अपन आर स्क्वायर। तो बाहर में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसे बिहेव कर रहा सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पर फोकस हो, ये वाली। तो यहाँ पर वही आ रहा जो कि यहाँ पे सरफेस पे है, यहाँ पर फील्ड वही यहाँ पर मतलब ये सरफेस पे मैक्सिमम है, फिर यहाँ से घटता जा रहा है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, ये सारी चीज़।
तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो उस ग्राफ की वैल्यू कुछ ऐसे आएगी। देखो अभी हम लोग निकाले यहाँ पर कैलकुलेट किए बच्चों कि देखो यहाँ पर अंदर में जो फील्ड है वो जीरो है, और जब स्मॉल आर इस वाले आउटर जस्ट इसके यहाँ पर भी फील्ड क्या है जीरो है, और बाहर में इस पॉइंट पर जो फील्ड है वो मैक्सिमम है अभी हम निकाले, उसकी वैल्यू कितनी है के कैपिटल क्यू बी का स्क्वायर। ठीक है, के कैपिटल क्यू बी का स्क्वायर, और यहाँ पर जो फील्ड है आर डिस्टेंस पे वो आ जाएगा वो के क्यू ओवर आर का स्क्वायर। तो ये सारी वेरिएशन, तो अंदर में जब यहाँ से इधर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव होगी और यहाँ पर जो आर है वो भी पॉजिटिव होगा राइट साइड। तो जब मैं यहाँ से इधर जाऊँगा कहाँ तक जाऊँगा इन्फिनिटी तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगी। तो ये इन साइड है, देखो इन साइड, तो इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल रही है। अचानक से मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे कर्व में वेरी करेगी और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाके मैक्सिमम होगी, उसकी वैल्यू लिखा हूँ, और बाहर में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² से वेरी करने लगेगी। और इस साइड जाओगे तो फिर अगेन जीरो जीरो मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर अचानक से इधर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है और आर भी यहाँ पे निगेटिव है। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो अचानक से फिर इस कर्व से वेरिएशन और ये 1/r² से वेरी करेगी, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम है। तो इस टाइप से कुछ अच्छा सा ग्राफ हमें देखने को मिलेगा इस पे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वैल्यूएबल लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।